नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने 18 अगस्त से लंबी दूरी की 6 ट्रेनों का रायगढ़ स्टेशन में स्टॉपेज देने का फैसला किया है। इसमें हैदराबाद रक्सौल, सूरत मालदा और हावड़ा साईनगर श्रेरी एक्सप्रेस शामिल है। ट्रेनों का स्टॉपेज मिलने से रायगढ़ के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बिलासपुर और रायपुर से रायगढ़ जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर विकल्प मिलेगा। कोरोना काल के बाद से रेलवे ने ट्रेनों को बंद कर दिया था, फिर 2 साल बाद जब कोरोना का संक्रमण कम हुआ तब ट्रेनों की आवाजाही शुरू की गई। लेकिन रेलवे ने छत्तीसगढ़ के छोटे स्टेशनों में कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया था, जिसके बाद रेलवे को विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं रायगढ़, जांजगीर चांपा जैसे स्टेशन में दूसरे ट्रेनों को भी स्टॉपेज देने की मांग उठने लगी, ताकि यात्रियों को सफर में परेशानी ना हो और लंबी दूरी की यात्रा आसान हो। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने 25 किलो बारूद के साथ 4 नक्सलियों को पकड़ा है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन सभी के पास से करीब 84,000 रुपए नगद भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में मोबाइल फोन और दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद से विस्फोटक सामान लेकर आए थे, बीजापुर जिले में नक्सलियों तक पहुंचाना था। हालांकि इससे पहले दंतेवाड़ा में पकड़े गए। 15 अगस्त की रात ये सभी दंतेवाड़ा के बस स्टैंड में थे, जो बीजापुर जाने वाले वाहन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसी बीच पेट्रोलिंग करते पुलिस की टीम उनके पास पहुंची। पुलिस गाड़ी को आता देख सभी भागने लगे। पुलिस को उन पर शक हुआ, जिसके बाद सभी की घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुभाष कुमार कतड़ी, मनोज कुमार, रमेश कुमार बताया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 90 विधायकों के निवास का घेराव कर रही है। इस घेराव के पीछे आपका आरोप है कि जनता से के वादे को विधायकों ने पूरा नहीं किया। इसी कड़ी में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ता रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा के निवास पर पहुंचे, तो वहां जुनेजा के समर्थकों ने उनका छाछ देकर स्वागत किया। कुलदीप जुनेजा के समर्थकों ने सड़क पर धूप में बैठे हुए आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर उन्हें उनके हाथों में ठंडी छाछ दी। बिलासपुर में नगर निगम के कर्मचारी की कचरा गाड़ी में दबने से मौत हो गई। निगम कर्मी अपनी बाइक से लौट रहा था, तभी रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनंतित हो गई और वो नीचे गिर गया। इसी दौरान पीछे से डंपर से उसे चपेट में ले लिया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। सिविल लाइन क्षेत्र के इमलीपारा में रहने वाला देवानंद कश्यप नगर निगम में पदस्थ था। बुधवार को दोपहर वो किसी काम से सरकंडा के लोधीपारा जा रहा था, जहाँ काम निपटाने के बाद वो अपनी बाइक से इमलीपारा स्थित घर लौट रहा था। उसकी बाइक लोधीपारा में राधाकृष्ण मंदिर के पास पहुंची ही थी, इसी समय तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक समेत सड़क पर गिर गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को 15 से ज्यादा बड़ी घोषणाएं की गई। उन्होंने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों की सरकारी नौकरी पर बैन लगेगा। वहीं निर्माण से जुड़े श्रमिकों को आजीवन 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसके तहत 5 लाख रुपये नगद प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। इसी तरह रेशम कीट और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। सभी जिलों में कम से कम एक पीजी कॉलेज खोला जाएगा। इसके साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को अब मुफ्त में परिवहन की सुविधा भी दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल कितना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।